आपके कैंप्स और टैली ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्रीज करना सीखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है। कॉन्ट्रा एंट्री रिफर्स टू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक अकाउंट। मींस कॉन्ट्रा एंट्रीज वो ट्रांजैक्शंस है, वो एंट्रीज है जहाँ पे कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। दी फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी गई है। फर्स्ट है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मीन्स अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या फिर नेक्स्ट यस बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एंट्रीज हम कॉन्ट्रा में करेंगे। यस नेक्स्ट क्या है कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये क्या है मैम? यस होता क्या है, हेड कैशियर अपने अंडर में पेटी कैशियर को रखता है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो छोटे मोटे खर्चे उनको मीट आउट कर सके। इसलिए जब हेड कैशियर अपने पेटी कैशियर को पैसा देता है तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। ऐसी एंट्रीज भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। तो लेते हैं जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड रुपीज़ 1 लाख टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि SBI में हमने 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया है तो हमारी जनरल एंट्री हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रुपीज़ 1 लाख, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रुपीज़ 1 लाख। तो चलिए फ्रेंड इसे हम प्राइम में करेंगे। प्राइम में हम लोग आ गए हैं। प्राइम में देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही ट्रांजैक्शन में वाउचर, वाउचर्स में आप एंटर करिए। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4, आप F4 करेंगे तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। हमारी एंट्री में क्या हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था तो सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है तो कैश को हम लोगों ने क्रेडिट करना है रुपीज़ 1 लाख टू डेबिट हम लोग करेंगे डेबिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है एंड देन एंटर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लीजिए नहीं बना है तो बैंक अकाउंट के अंडर बना लीजिएगा। फिर देखिए ट्रांजैक्शन टाइप में कैश आ रहा है, जहाँ पे डिनोमिनेशन हम देते हैं हम ये बताते हैं, मीन्स जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो फॉर्म उनको फिल करते हैं ना, वहाँ पे बताते हैं कि कौन सी नोट कितनी हम दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 2000 की नोट्स हम 50 दे रहे हैं तो 1 लाख रुपीज़ हम सबमिट कर रहे हैं, एंटर करेंगे। और नरेशन में फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग कैश इज डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एंटर करा के या फिर कंट्रोल ए करा के हम एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रांसफर कैश टू पेटी कैश ₹2500, मीन्स पेटी कैश में हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारी एंट्री हो रही है पेटी कैश अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ₹2500 टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ₹2500। तो चलिए इसे प्राइम में हम कैसे करेंगे। प्राइम में हम लोग आ गए हैं, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट हम लोगों ने कैश कर दिया है ₹2500, एंटर किया। एंड डेबिट में देखिए बैंक बाय डिफॉल्ट ले लेता है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पेटी कैश का लेजर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर में नहीं बना है और सी, या फिर आपके पास ऑप्शन है क्रेट का, क्रेट में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे लेजर हम लोग बनाएंगे पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश का लेजर हम लोग कैश इन हैंड के अंडर रखेंगे, कैश इन हैंड के अंडर रखा एंड देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। तो देखिए हमारी एंट्री हो रही है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2500, जो कि हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को पैसा दिया और एंट्री किया। नीचे नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग कैश इज डिपॉजिटेड इनटू पेटी कैश अकाउंट और एंटर करके या फिर कंट्रोल करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री हमारी कैश इज विड्रॉन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज ₹30,000, मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम लोगों ने कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए ₹30,000। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ₹30,000, बैंक पैसा देने वाला क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ₹30,000। प्राइम में हम लोग चलते हैं, प्राइम में हम लोग आ गए। अब फ्रेंड इसको आप सिंगल एंट्री मोड पे भी कर सकते हैं। मोड चेंज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एच, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, हम लोग अभी डेबिट और क्रेडिट करके एंट्री सीख रहे थे, अब सिंगल एंट्री मोड पे करेंगे। कॉन्ट्रा में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कॉन्ट्रा में ऊपर वाले अकाउंट का मतलब डेबिट होता है, मीन्स अगर हमारी एंट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा हम लोग निकाल रहे हो कैश आ रहा है तो ऊपर अकाउंट में हम लोग कैश ले लेंगे, कैश हम लोग ने लिया और नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे, पैसा हम लोग कितना निकाले थर्टी थाउजेंड ले लिया। कैसे हम निकाल रहे हैं, वाया कैश शो मोड, यहाँ पे देखिए हम जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप कि ATM कार्ड चेक, जिस तरह से जिस मोड से आप निकाल रहे होंगे वो मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 30,000 का।
एंड आप खुद निकाल रहे हैं, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप करंट बैलेंस देखिए तो हमने पैसा यहाँ पे डिपॉजिट किया था एंड यहाँ पे 30,000 हमारा रिड्यूस हो गया है। एंड एंटर करा देंगे, यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी, ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू द HDFC बैंक अकाउंट, मीन्स SBI से पैसा हम लोगों ने निकाल के 20,000 HDFC बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हमारी एंट्री होगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ₹20,000 और SBI पैसा देने वाला क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ₹20,000। तो चलिए इसे हम लोग प्राइम में करेंगे। प्राइम में हम लोग आ गए हैं। प्राइम में जैसा कि देखा कॉन्ट्रा वाउचर में ऊपर अकाउंट का मतलब डेबिट होता है, मीन्स HDFC बैंक अकाउंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे HDFC बैंक का लेजर नहीं बना है, बनाने के लिए और सी या फिर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे HDFC बैंक अकाउंट। इसे हम लोग बैंक का लेजर है तो बैंक अकाउंट के अंडर जाएगा। बाकी आप यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFS कोड वगैरह सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं एंड देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। कौन से बैंक से पैसा निकल रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकल रहा है। कितना पैसा निकल रहा है? 20,000। तो यहाँ पे मैंने 20,000 मेंशन कर दिया कैश ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे आप बता सकते हैं किस तरह से आपने पैसा ट्रांसफर किया, चेक, ई फंड ट्रांसफर किया है, अदर्स। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप में सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे हम नरेशन में मेंशन कर देंगे कि हमारा किस बैंक से पैसा गया है, उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है। तो बी कैश इज डिपॉजिटेड इन टू HDFC बैंक अकाउंट फ्रॉम द SBI बैंक अकाउंट एंड कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इस तरह की सारी जितनी भी कैश एंड बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कॉन्ट्रा वाउचर में कैसे एंट्रीज करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।